हेलो गाइस वेलकम टू मिस्टर गिंदी टैरो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक हो अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो सो so, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कैंडल वैक्स रीडिंग है फॉर दी एट एट पोर्टल जो आ रहा है दो दिन बाद यानी आठ तारीख को एट एट पोर्टल खुल रहा है डबल एट पोर्टल जिसकी रीडिंग मैं हर साल करती हूँ एंड दिस इज़ सिग्निफिकेंट फॉर लियो सिंह राशि वालों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे काफ़ी पॉजिटिव महसूस करोगे इस इस पीरियड ठीक है अभी से ही आपको ये फीलिंग आना शुरू हो गई होगी कि आप काफ़ी पहले से करेजियस फील कर रहे हो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ठीक है आ, लेकिन ये रीडिंग हम उसके लिए नहीं कर रहे <coughs> इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि जैसे ये एटेड पोर्टल लगता है शुरू होता है क्या चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं या क्या सारी चीज़ें हम देखेंगे ओके लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मैरिड अनमैरिड एक्स्ट्रा मैरिटल्स सारे केसेस में आप ये रीडिंग देख सकते हो तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में आपको अपने नाम का अपने अपने पार्टनर का नहीं आपके नाम का पहला अक्षर चुनना है अगर ए से एम के बीच में अगर आपका नाम आता है तो ये रेड कैंडल आपके लिए है ओके okay? एंड अगर आपका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है जैसे मेरा पूजा तो ये ग्रीन कैंडल लाइट ग्रीन कैंडल आपको चूज करनी है ओके okay? अपने अपने पाइल पे स्किप करें मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी टाइम स्टैम्प स्किप करिए और अपनी अपनी रीडिंग देखिए ओके सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर वन हेलो ग्रुप नंबर वन जिनका नाम ए से लेके एम के MK बीच में आता है देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं डबल एट पोर्टल खोलने के बाद क्या बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ओके okay. <coughs> सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे नोटिस कर रही हूं ना यहां पे कोई आपसे माफी मांग सकता है ओके यस जिसकी गलती हुई है इस कनेक्शन में वो आपसे माफी मांग सकता है सम मन इज गोइंग टू चेज यू कोई आपको मुझे चेज करते हुए दिख रहा है माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है या हो सकता है आपको लगे कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए मुझे आप काफ़ी किसी को मिस करते हुए दिख रहे हो आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आ, बस मैं उससे मिलने चली जाऊँ या मिलने चला जाऊँ कुछ लोगों के लिए आपके अपने पार्टनर से मुलाकात भी हो सकती है ओके okay, अनएक्सपेक्टेडली मुलाकात हो सकती है अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मुझे लगता है कि या तो आप ड्राइव करके या ड्राइव uh, करके मे बी अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो या वाइस ओवर मे बी आपके पार्टनर ड्राइव करके आपको मिलने आ सकते हैं ओके okay? और आपकी माफ़ी मांग सकते हैं मुझे यहाँ पे माफ़ी ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई यहाँ पे किसी से माफ़ी मांग रहा है ओके okay? <coughs> आपको कोई रेड कलर की चीज गिफ्ट मिल सकती है ओके अपने पार्टनर से अगर वो माफी मांग रहे तो हो सकता है वो रेड फ्लावर दे आपको या कुछ रेड चीज गिफ्ट कर सकते हैं और आपसे माफी मांग सकते हैं ओके <coughs> मुझे ना ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी ओके okay? एंड जिसके भी लाइक like, जिस भी पर्सन को किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे फाइनली उस पर्सन की इनोसेंस uh, प्रूव हो जाएगी कि नहीं ये पर्सन वैसा नहीं है यू you नो know, मैं जैसा सोच रहा हूँ वो वैसा नहीं है मैं गलत सोच रही हूँ या गलत सोच रहा हूँ ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ओके okay. <laughs> आपको ऐसा आपको या जिसको भी जिसने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है गलतफहमी हुई है उसको वैसा फील होगा होने लगेगा कि शायद मैंने जज कर लिया या शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया आ, मैं तो उसे अच्छे से पहचानती हूँ या पहचानता हूँ तो मैंने उसके बारे में ऐसा कैसे सोच लिया कि वो मुझे ऐसा बोलेगी या ऐसा करेगी ठीक है या अगर ये आपके पार्टनर है तो उनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने उसके बारे में बहुत गलत सोचा मैंने उसको मिस जज किया ओके मैं तो उससे प्यार करता हूँ तो मैंने क्यों उसे ऐसी चीज़ें बोल दी या मैंने क्यों उसके बोलने पे ऐसा रिएक्ट कर दिया कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है ठीक है आप नॉन जजमेंटल होने वाले हो काफ़ी ज़्यादा ठीक है आप या आपके पार्टनर देखिए मैं आप या आपके पार्टनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि किसकी गलती हुई है किसने किसको मिसजज किया है यहाँ पे इसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप पे स्पेशली अगर कोई ऐसा था जो जलता था नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े गलत नेगेटिव एनर्जी भेजता था मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता था तो फाइनली मुझे लगता है कि उसके सारे पैतरे उल्टे पड़ जाएंगे उसी को उसका कर्मा फेस करना पड़ेगा जो उन कोई भी अगर आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा था या आपके पर्सन पे कुछ मैजिक कर रहा था ताकि वो आपसे दूर हो जाए आप दोनों में खटास आ जाए आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहे उस पर्सन के पैतरे उल्टे पड़ने वाले हैं ठीक है एंड आप जो डिजर्व करते हो लव लाइफ में वो आपको मिलेगा ठीक है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिन आपके पार्टनर स्पेशली अगर किसी थर्ड पार्टी में थे तो वो थर्ड पार्टी कुछ मैजिक करते थे या वो नेगेटिविटी नेगेटिव वाइब्स भेजते थे आपको एंड वो उल्टा पड़ने वाला है फाइनली एंड उन्हीं को वो सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी जो वो आपके साथ करना चाह रहे थे ठीक है मुझे आप खुद की बहुत सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हो ठीक है आपके पर्सन को भी ऐसा महसूस होने लगेगा कि उन्हें आप यू you नो know, उन्हें आपको और प्यार देना चाहिए उन्हें आपकी और केयर करनी चाहिए ठीक है सो आई सी समन नर्चरिंग खुद को भी और अपने पार्टनर को भी अभी आप हो या आपके पार्टनर वो आपको अच्छे से पता ठीक है जब होगा आपको समझ आ जाएगा किसी किसी के लिए मुझे आ, कुछ ट्रैवल प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ पॉसिबल है तो मैं ना सबके लिए नहीं बोल रही हूँ लेकिन अगर पॉसिबल है तो मे भी आपके पार्टनर आपको पूछ सकते हैं कि कहीं ट्रैवल करते हैं चलो मिलते हैं कहीं जाते हैं घूमने यू नो लेट्स स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन अगर बहुत स्टक थे किसी थर्ड पार्टी में या किसी फैमिली इशू में या किसी दोस्त के वजह से किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के चलते अगर स्टक थे उन्हें एक रास्ता नहीं मिल रहा था उन्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे तो काफ़ी क्लैरिटी मुझे आते हुए दिख रही है फाइनली ये पर्सन को समझेगा कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना है ओके एंड दे विल डू इट मतलब जो प्लान किया है उसके हिसाब से एक्शन लेते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं मैं क्लियरली देख रही हूँ ओके okay. अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया था तो वो या मे बी अगर आपको उनके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ना वो लिटरली अपनी इनोसेंस को प्रूव करते हुए मुझे दिख रहा है कि मेरी गलती नहीं थी देखो यू you नो know, ये हुआ था तुमने ये सोच लिया था लेकिन मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया था कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है जो भी पर्सन गलत नहीं था वो अपनी सच्चाई को प्रूव करते हुए यहाँ पे दिख रहा है एंड सामने वाला उसे माफ़ भी कर देगा <coughs> अगर आपके पर्सन एक ईगो राइड थे सेल्फिश हो गए थे बस अपने बारे में सोच रहे थे आपको साइड लाइन कर दिया था आ, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे तो अब क्या होगा कि अब उन्हें लगेगा कि यू you नो know, ऐसी लाइफ इट्स इनकम्प्लीट मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए मुझे हाँ मुझे खुद से तो प्यार करना है लेकिन मुझे वो पर्सन भी अपने लाइफ में चाहिए तो एक क्रेविंग नज़र आ रही है मुझे ओके okay? अचानक से एक शिफ्ट होगा कि नहीं मुझे प्यार चाहिए उस पर्सन का मुझे वो अपनी ज़िंदगी में चाहिए मुझे उसका प्रेजेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे गिले शिकवे दूर होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपसे काफ़ी प्यार से काइंडली पेश आते हुए दिख रहे हैं अगर पास्ट में इस पर्सन ने गुस्सा किया था या बहुत नाराज़गी शो करी थी बहुत रूड बिहेव किया था आपके साथ तो दे विल बी वेरी जनरस विद यू ओके okay. देखिए पहले क्या हो रहा था कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो सैड भी फील होते थे सैड भी फील करते थे अकेलापन महसूस करते थे तो उनको लगता था कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है मैं अकेली खुद को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ Uh, मुझे फ़िक्स करने के लिए मुझे किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है बाहर से बाहर के किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो आपको लिटरली ये पर्सन ने अजनबी बना दिया था देवर लाइक मुझे like, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हाँ मैं सैड हूँ तो मैं संभाल लूँगी खुद को या मैं दुखी हूँ तो मैं ठीक कर लूँगी खुद को बट क्या हुआ ना कि uh, अब क्या होने वाला है आफ्टर दिस एटेड पोर्टल आप देखोगे कि इस पर्सन को वो भी फील होने लगेगा कि नहीं मुझे हील करने के लिए मुझे उसकी जरूरत है आई नीड हर आई नीड हिम ठीक है मैं अकेला खुद को नहीं हील कर सकती या नहीं कर सकता वट एवर ये रिश्ट, इस रिश्ते को लेकर ये पर्सन का माइंडसेट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहा है बहुत ही ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं है ठीक है मतलब इतने नेगेटिविटी के नेगेटिव सोच रहे थे लेकिन अभी मुझे काफ़ी पॉजिटिव सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं अपने माइंडसेट को काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव कर लेंगे ये पर्सन जो भी नेगेटिविटी इनके मन में है वो उसको रिलीज़ करते हुए मुझे दिख रहा है फाइनली <coughs> देखिए इस पर्सन के लिए ना कहीं ना कहीं एक इमोशनल फुलफिलमेंट इन्हें आपसे मिलती है ये चीज़ उन्हें बहुत ही क्लियरली रियलाइज़ होगी फील होगी ठीक है और वो त, त, वो ना आइडियाज़ ढूँढने लगेंगे और उनके एक्शंस भी इस तरह के होंगे कि वो आपको फिर से अपने लाइफ में कैसे लाया जाए कैसे सब कुछ ठीक किया जाए और वो जो एक प्यार और फुलफिलमेंट आपके साथ फील होता है वो उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे और काफ़ी कुछ मुझे एक्शन प्लान प्लान्स एंड एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन काफ़ी कुछ प्लान भी करते हुए दिख रहे हैं और एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हैं ओके दे आर लाइक मुझे अपनी हैप्पीनेस अपने लाइफ में वापस चाहिए उनकी लाइफ जैसे डार्क हो गई है अंधा यू नो एक अंधेरा छा गया है इस पर्सन की लाइफ में नाउ दे वॉन्ट हैप्पीनेस आपके आप उनकी हैप्पीनेस हो आप उनकी लाइफ में एक लाइवली उनकी जिंदगी को आप एकदम लाइवली बना देते हो ठीक है <coughs> किसी किसी के लिए अगर ये पर्सन ने ऐसा मान लिया था कि सब कुछ ख़त्म है ये रिश्ता ख़त्म है शायद यही लिखा था हमारे नसीब में दूर होना तो अब क्या होगा उल्टा होगा अब ये पर्सन विल बी लाइक नहीं यू you नो know, अगर हम ट्राई करें अगर हम एफर्ट्स डालें तो सेपरेशन को ख़त्म कर सकते हैं लाइफ टाइम साथ रह सकते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी ये एक मुझे उनके अंदर दिख रहा है ओके okay? और ये पर्सन डटे रहना चाहते हैं अपने एफर्ट्स डालते रहना चाहते दे आर लाइक कि मुझे गिवअप नहीं करना है मुझे 100% परसेंट नहीं 200% परसेंट देना है मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा जितना मुझसे होगा ना मैं इस कनेक्शन को लाइफ लॉन्ग आगे ले जाने के लिए जो करना पड़े मुझे मैं आई विल ट्राई एवरी थिंग आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट ठीक है इस पर्सन को ना Uh, कुछ स्ट्रांग रिविलेशन्स कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन्स होंगे उनको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर मैं पॉजिटिव रहती हूँ या अगर मैं खुद को पॉजिटिव रखता हूँ तो मैं इस कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ आई हैव दैट पावर अगर मैंने ही होप्स छोड़ दिए अगर मैं ही खुद नेगेटिव हो गया तो तो मुश्किल है तो ये पर्सन अपने आप को uh, समझाते हुए मुझे दिख रहा है कि अगर तू चाहता है या तू चाहती है तो हो सकता है तो पॉजिटिव सोचेगा तो सब कुछ ठीक होगा ओके okay? स्पेशली ना जब ये पर्सन सुबह उठते हैं तब इन्हें आपकी बहुत एक कमी का एहसास होता है मे भी आप इन्हें बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस करते थे दे आर मिसिंग एवरी दे विल बी मिसिंग एवरी स्मॉल थिंग ओके जैसे आपका मॉर्निंग टेक्स्ट आपके नाइट टेक्स्ट यू नो दिन भर जो आपके कॉल्स मैसेजेस जो बातें होती थी दे विल बी मिसिंग दैट ओके एंड उन्हें लगेगा कि यार उसके साथ रहते थे तब कितना कंप्लीट फील होता था एंड अब कितना इनकम्प्लीट कुछ तो मिसिंग सा फील हो रहा है <coughs> कॉन्फिडेंस तो इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है आप में से कुछ लोग मुझे लगता है लियो से डील कर रहे हो इसलिए उनको बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा ये जो आ, एट एट पोर्टल है क्योंकि देखिए ये पर्सन कॉन्फिडेंट तो मुझे काफ़ी दिख रहे हैं लेकिन एक पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रहे हैं अबाउट दिस कनेक्शन ऐसा नहीं है कि खुद पॉजिटिव हो रहे हैं और रिश्ते को लथाड़ रहे नहीं आ, इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि वो इस रिश्ते को डिजर्व करते हैं वो आपके प्यार को डिज़र्व करते हैं ओके okay? मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसस करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन मे बी कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं या आई डोंट नो वॉट मे बी ये किसी की हेल्प ले रहे हैं टू मेक दिस रिलेशनशिप बेटर कुछ तो ये कर रहे हैं आई डोंट नो वॉट दिस इज़ पूजा पाठ या मे बी उपवास और समथिंग या फिर कुछ चैंटिंग मंत्रा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कुछ कर रहे है कुछ तो कर रहे है ओके okay? जैसे मैंने फुल मून न्यू मून के भी वीडियोज़ डाले में भी कुछ आपके पर्सन वैसा कुछ कर रहे हो ठीक है सबके लिए नहीं हो सकता ये सब आप कर रहे हो और उसी के वजह से आपके पर्सन के अंदर ये चेंजेस आ रहे हो ठीक है ये पर्सन एक यू you नो know, एक ऐसे पर्सन थे जो जो प्रॉब्लम्स आते ही भाग जाते थे कनेक्शन में फ़ेस करने के फेस करना चाहिए तो भाग जाते थे बट नाउ उतनी स्ट्रेंथ उतनी पावर मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है कि ये अपने आप को इतना पावरफुल इमोशनल लेवल पे स्पेशली इस पर्सन ने बना लिया है कि किसी भी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते से अब नहीं भागना चाहते दे वॉन्ट टू स्टिक टू इट ठीक है उनको लगेगा कि भाग के तो कुछ होने नहीं वाला है भाग के तो फिर से ही एक ना एक बार आना ही है तो मुझे अब इस कनेक्शन से भागना नहीं है मुझे इस कनेक्शन में रहना है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है ओके या so, yeah. ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं स्पेशली अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी या अगर कोई कार्मिक सिचुएशन थी किसी और से अगर डील कर रहे थे तो सारे ऐसे लोगों को अपने लाइफ से अपनी सारी ऐसी बुरी आदतें को अपनी लाइफ से हटाते हुए दिख रहे हैं ओके okay? किसी किसी के लिए अपने फिजिकल आउटलुक को चेंज करने कर रहे हैं मे बी जिम ज्वाइन की है या बहुत ज़्यादा ब्यूटी की तरफ यू you नो know, अपने ध्यान दे रहे हैं ओके okay? हेल्थ की तरफ स्पेशली हेल्थ की काफ़ी ध्यान दे रहे हैं मे बी कुछ डाइट कर रहे हैं कुछ फिटनेस कुछ नया कुछ शुरू किया है इस पर्सन ने बट काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये पर्सन चेंज कर रहे हैं हर लेवल पे स्पिरिचुअली इमोशनली फिजिकली ठीक है And कुछ तो डिसीजन लिया है इस पर्सन ने बड़ा डिसीजन ओके okay? <coughs> सो या दैट वॉज इट यही थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर वन फॉर डबल एट पोर्टल तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि आई रिसीव ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस एटेड पोर्टल इन माई लाइफ अगर आपको सिर्फ लव लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आई रिसीव आई क्लेम एंड रिसीव ऑल द ब्यूटिफुल एंड ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ़ दिस एटेड पोर्टल इन माई लव लाइफ ठीक है सो so, अगर लाइफ है तो लाइफ लिखो सिर्फ अगर लव लाइफ है तो लव लाइफ लिखो सो दैट वॉज इट आई होप रीडिंग पसंद आई हो सी यू नेक्स्ट वीडियो हेलो ग्रुप नंबर टू जिनका नाम एन से लेके जेड के बीच में आता है चलिए देखते हैं कि ये डबल एट पोर्टल आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला है ओके लेट्स द रीडिंग फोकस पूरा अपने पार्टनर पर रखिए ओके पॉजिटिव रहिए ओके okay. hmm, okay. देखिए क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे मुझे पता है एक वर्ड सुनाई दे रहा है सैक्रिफाइस ओके मे बी आपके पर्सन ने अपने फैमिली के चलते या करियर के लिए या किसी वजह से ना या थर्ड पार्टी के लिए आई डोंट नो व्हाट दिस वाज सबके लिए मे बी अलग अलग रीजन हो सकता है लेकिन इस पर्सन ने किसी वजह से आपको अपने लाइफ से निकाल दिया था या अपने आप से आपको डिटैच कर दिया था ठीक है एंड दिल से नहीं किया था मे बी उन्हें करना पड़ा मे बी किसी ने उन्हें फोर्स किया या डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन लेकिन सेक्रीफाइस डेफिनेटली इस पर्सन ने आपके प्यार को और आपको किया है ठीक है एंड अब क्या हो रहा है ना ऑन दिस एटेड पोर्टल इस पर्सन को इस पर्सन के अंदर ना मैं एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस देख रही हूँ कि नो मैटर वॉट मैं इस पर्सन को या इस रिश्ते को नहीं छोड़ूंगा ठीक है शी इज माइंड ही इज माइन मुझे इस मुझे रिश्ता चाहिए आ, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ इस पर्सन को किसी और के वजह से मैं अपने खुशियाँ नहीं दे सकता कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है सो या समवन इज गोइंग टू फाइनली अंडरस्टैंड कि वो डिजर्व करते हैं और आप भी उनका प्यार डिजर्व करते हो एंड किसी और के लिए उन्हें सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके okay? <coughs> काफ़ी कॉन्फिडेंट काफ़ी क्लैरिटी के साथ ही मुझे ये पर्सन अपने प्लान्स जो इन्होंने आपको लेकर बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करते हुए देख रहे हैं ठीक है फाइनली एग्जीक्यूटिंग जो उन्होंने सोचा है जो प्लान किया है उन चीज़ों को ये पर्सन फाइनली रिलेशनशिप में एग्जीक्यूट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है यस yes. बहुत सोच रखा है इस पर्सन ने कि क्या करना है कैसे करना है वाह बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये पर्सन ना इनके अंदर ही खुद बहुत ओवर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है ठीक है ओके okay. डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत सी ऐसी सिचुएशन है ना जो इनको स्टक रखती है ओके okay? इनको डेविएट करती है आपसे दूर ले जाती है या बार बार इनको मजबूर कर देती है कि वो आपको छोड़ के अलग डायरेक्शन में चले जाए अभी ये पर्सन मुझे अपनी एनर्जी को क्लीन करते हुए दिख रहे हैं ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं ऐसी आदतें ऐसी सोच ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन जो कि उन्हें ना तो खुद के लाइफ को इन्जॉय करने दे रही है ना तो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने दे रही है तो ओवरऑल ही नॉट जस्ट फॉर द लव लाइफ ये पर्सन अपने लिए भी मुझे कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं ओके okay? और सारे रिश्ते नाते ख़राब सिचुएशन सब से नेगेटिविटी रिलीज करते हुए दिख रहे हैं फॉर अ लॉट ऑफ यू कोडिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है अगर आप दोनों काफ़ी कोडिपेंडेंट हो गए थे या आप में से कोई एक अगर आपकी पर्सन स्पेशली आप पे डिपेंडेंट हो गए थे आपके बिना खुश नहीं रह पाते थे उनकी लाइफ यू नो अटक जाती थी तो नाउ दे हैव दे हैव बैलेंस्ड इट ठीक है क्योंकि कोडिपेंडेंसी कभी भी ठीक नहीं होती है तो आई सी देम बैलेंसिंग इट आउट एंड फाइनली एक नई बिगनिंग मुझे होते हुए दिख रही है और ये बिगनिंग ना एंड तक रहेगी ये बिगनिंग मतलब ये ख़त्म होने के लिए नहीं हो रही है इट्स हैपनिंग फॉर ये हमेशा के लिए हो रही है ओके okay? तो आप में से काफ़ी लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे बार बार कुछ प्रॉब्लम्स आते थे यू you नो know, कभी ऐसा नहीं होता था कि ठीक चल रहा है ठीक चल रहा है आना मतलब आप में से कुछ लोग तो ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं तो देर वॉज नो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इन दिस कनेक्शन बट अब क्या हो रहा है ये पर्सन जो बिगनिंग करेंगे आपके साथ वो हमेशा के लिए होगी फॉर होगी ठीक है बट ये अपने आप को प्यार करना अपने आप को हील करना खुश रहना भी सीख गए हैं ओके इस पर्सन का इंट्यूशन बार बार इनको कह रहा है डायरेक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ आए क्योंकि आप इनकी खुशी हो आप इनकी हैप्पीनेस हो आप इनकी पॉजिटिविटी हो ठीक है सो so, उनका इंट्यूशन ही उन वो फॉलो करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मुझे ये प्यार चाहिए मुझे ये पर्सन अपने ज़िंदगी में चाहिए ठीक है सो दैट डिटर्मिनेशन दैट कॉन्फिडेंस दैट वो एक चाहत मुझे डिजायर उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ रहा है इस पर्सन का बहुत ही ज़्यादा नॉट इन अ बैड वे काफ़ी एक अच्छे तरीके से देख रहे हो मतलब एक अच्छे नज़रिए से इनका जो एक कॉन्फिडेंस है काफ़ी बढ़ रहा है ओके okay? इससे आप दोनों को फायदा होगा मतलब ना ऐसा हो गया कि मे बी पहले ना इनके लाइफ पे डिसीजंस पे इनका कंट्रोल नहीं था कुछ और लोग इनके लिए डिसीजंस लेते थे या किसी और को देख के किसी और की बातों में आके इनके डिसीजंस होते थे बट नाउ दे विल बी लाइक सेल्फ सफिशेंट कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ मैं अडल्ट हूँ मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है मेरे डिसीजंस लेने के लिए सो दैट इज दिस एनर्जी देखिए ये पर्सन ना आ, समझ चुके हैं कि उनके अंदर एक एक इनोसेंट पर्सन भी है और उनके अंदर एक विलन भी है ठीक है और वो दोनों ज़रूरी होता है किसी भी इंसान में ना सिर्फ इनोसेंट होना भी ठीक नहीं है और सिर्फ एक विलन बन के रहना भी ठीक नहीं है बैलेंस बहुत ज़रूरी है और यही इस पर्सन को के अंदर वो बैलेंस आ गया है कि वो समझ रहे हैं कि मैं अच्छा भी हूँ मैं बुरा भी हूँ एंड आई एक्सेप्ट दैट ठीक है और ये आप, आपके साथ आपकी जो लव स्टोरी है ना वो फिर से लिखना चाहते हैं दे वॉन्ट टू री राइट दिस लव स्टोरी मुझे ये सुनाई दे रहा है यहाँ पे ठीक है या वो अपनी वो मुझे लगता है आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं अपने कुछ किए पे अगर उन्होंने कुछ गलत किया है वो माफ़ी मांग सकते या अगर आपको कुछ गलत समझा था तो आपको माफ़ कर सकते हैं ठीक है, है? देखिए ये पर्सन आपके लिए इस रिश्ते के लिए सबसे लड़ेंगे लेकिन प्यार से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं चाहे वो उनके दोस्त हो उनकी फैमिली हो किसी का किसी की बदुआ लेकर वो आप दोनों वो नहीं चाहते कि आप दोनों आगे बढ़े दे आर लाइक मैं सबसे लड़ूंगा लेकिन मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहता ठीक है सो दे आर गोइंग टू फाइट विथ एवरी फॉर यू एंड विदम सेल्व बट प्यार से काइंडली हमली ठीक है यह आपको कुछ प्रामिसस करते हुए मुझे दिख रहे हैं एंड उस प्रामिस को निभाने के लिए दे विल मतलब ये अपनी जिंदगी दाव पर लगा देंगे सो दे आर गोइंग टू बी लाइक यू नो मैं फ्यूचर के कुछ कमिटमेंट्स या प्रोमिस आपको करते हुए दिख रहे हैं ठीक है एंड वेरी सीरियस प्रोमिस जिसे वो निभाएंगे ठीक है चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े आई सी दम Uh, अपने प्रोमिस को निभाते हुए भी दिख रहे है ये और अगर कुछ किए थे पहले ही तो उन को निभाते हुए दिख ठीक है थीके? जैसे हम ओथ लेते हैं ना कोई कि मैं शपथ लेती हूँ या शपथ लेता हूँ कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे सीन दिखाई दे रहा है यस yes, ये पर्सन के अंदर सबसे मेजर चेंज तो यही आ रहा है कि मुझे किसी के अप्रूवल की कोई मुझे समझे या कोई मुझे एक्सेप्ट करे किसी को मेरी लव स्टोरी समझे पसंद आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पहले बहुत फ़र्क पड़ता था इस पर्सन को लोग क्या बोलेंगे मेरी सोसाइटी क्या बोलेगी मेरे दोस्त क्या बोलेंगे ये वो हो सकता है आपका रिश्ता कुछ अलग हो मे बी आप में से कोई बड़ा है छोटा है किसी की शादी हो गई ऑलरेडी कुछ ऐसे सिचुएशंस है या मे बी कल्चर डिफरेंट है बैकग्राउंड डिफरेंट है एकदम सोच विचार बहुत अलग है तो ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी है और साथ ही साथ चाहे लोग कुछ भी बोले लोगों का काम ही है कहना ये एक एक, एक उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि नहीं लोगों के वजह से तो मैं एटलीस्ट नहीं रिश्ता ख़राब कर सकता और ये पर्सन ना आपके आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन से आप क्या चाहते हो अब तक आप क्या कहना चाह रहे थे इनसे या क्या चाह रहे थे फाइनली वो समझ जाएंगे ओके इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है आप क्या एक्सपेक्ट करते हो फ्रॉम दिस पर्सन मुझे लगता है ये पर्सन आपको नंबर वन प्रायरिटी बनाएंगे ठीक है इस पर्सन ने आपको हमेशा एक एक भीड़ का हिस्सा समझा कभी भी वो एक दर्जा नहीं दिया आपको वो रिस्पेक्ट या वो थ्रोन पे नहीं बिठाया यू नो टॉप मोस्ट पे लेकिन अब मुझे ये पर्सन देखिए इनको प्यार की अहमियत समझ गई है जब इंसान को बहुत सब कुछ मिल रहा होता है ना तब उसे तब उन्हें उस चीज़ की अहमियत नहीं समझती लेकिन जब आपने इनसे दूरी बना ली या दूरी आ गई आप दोनों में तब इस पर्सन को समझा कि प्यार कितना ज़रूरी है सो so, जो लोग उनसे सच्चे प्यार करते तो अगर उनकी कोई फैमिली मेम्बर है कोई सिग्निफिकेंट पर्सन है कोई दोस्त है और आप हो स्पेशली आपकी प्रायोरिटी नंबर वन होने वाली है इस पर्सन की लाइफ में ओके okay? ये अपने आप को ना फेक लोगों से दूर रखकर सिर्फ उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो सच में अच्छे हैं सच में उनकी केयर करते हैं परवाह करते हैं मुझे ये पर्सन लिटरली मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं ओके आई डोंट नो या तो ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको यूनिवर्स से मांग रहे हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ बहुत अच्छे से काम कर रही है तो कीप डूइंग द गुड वर्क ओके ये पर्सन कोई स्पेसिफिक सॉन्ग सुनते हैं ना इन्हें आपकी याद आती है मतलब कोई भी सॉन्ग सुनते हैं इनको आपकी याद आती है और कुछ कुछ स्पेसिफिक सॉन्ग्स हैं जो ये पर्सन सुनते हैं जब इनको आपकी याद आती है ठीक है आई सी देम मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग मिलने भी वाले हैं लाइक फेस टू फेस या मे बी प्लान बनेंगे मिलने के ओके okay? <coughs> इस पर्सन के लिए सुकून हीलिंग आप हो ठीक है सो दे आर गोइंग टू कम बैक टू यू फॉर दैट हीलिंग फॉर दैट शांति सुकून ओके okay? किसी किसी के लिए इनके अंदर एक जिद एक कॉन्फिडेंस एक पैशन अग्रेशन मुझे आपको पाने का और आपके साथ आगे बढ़ने का दिख रहा है एंड दे आर गोइंग टू डू इट सिर्फ सोचने नहीं वाले करने वाले हैं डेफिनेटली मुझे आप एक थ्रोन पे बैठे हुए दिख रहे हो इन दिस पर्सनस लाइफ इनके दिल में इनके लाइफ में एक जगह है आपकी हाईएस्ट पोजीशन, वहाँ पे मुझे आप दिख रहे हो और ये पर्सन लिटरली आपकी पूजा करेंगे कि यार मुझे ऐसा पर्सन मिला यू नो आई गॉट सच अ ब्यूटिफुल पर्सन मैं कितना लकी हूँ ब्लेसिंग है मेरे लिए मुझे न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है जैसे एक रीबर्थ होता है ना एक बच्चा जैसे यू नो टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ या जैसे हो होता है टीन एजर होता है ना वो ऐसे खुल के अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ओके आपके पर्सन आपके साथ इस रिश्ते को एक फेयर मौका देना चाहती है फेयर चांस देना चाहते है ओके काफ़ी मुझे एम्पावर्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैपनिंग एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की ठीक है ये पर्सन ना दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरी सीजन विथ यू मतलब हर फेस्टिवल हर सीज़न बारिश धूप ठंडी सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ ओके स्पेशली द दे लव रेनी सीजन मे भी इस पर्सन को बारिश का मौसम पसंद है और दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट विथ यू आपको भीगते हुए देखना चाहते हैं आपके साथ भीगना चाहते हैं डांस करना चाहते हैं बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं इस पर्सन की जो ये आपके साथ पूरे करना चाहते हैं काफी पॉजिटिव आउटलुक हो गया है फॉर लॉट ऑफ यू इस पर्सन का जो आउटलुक है काफी पॉजिटिव हो गया है एंड दे लुक क्वाइट कॉन्फिडेंट मतलब वो अपने डिसीजन पे पछता भी नहीं रहे हैं और सेकेंड थाट भी नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इट्स टू लेट मतलब इस रिश्ते पे काम करना बंद करना इज़ नॉट द ऑप्शन नाउ इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाना मतलब जो उन्होंने एक पौधा लगाया है प्यार का एक बीज जो बोया था उसे आगे बढ़ाना उसको बड़ा करना ही उनके लिए इम्पोर्टेंट है ओके दे डोंट वांट टू लूज़ ऑन यू ठीक है वो आपके साथ बड़ा होना चाहते ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं ओके यू बिलोंग टू देम जैसे उनको एक बिलोंगिंग वाली एनर्जी आ रही है आपके साथ ओके सो या दैट वॉज़ इट फॉर ग्रुप नंबर टू ये डबल एट पोर्टल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, स्पेशली आपके लव लाइफ में आपके करियर में आपके हेल्थ में आपके फैमिलीज में ठीक है एंड uh, अगर आप चाहते हो कि ये जो डबल एट पोर्टल है आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लाए तो ये ज़रूर लिखे कमेंट्स में आई क्लेम एंड रिसीव ऑल द ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ दिस डबल एट पोर्टल इन इन इ माई लव लाइफ और इन माई लाइफ ठीक है जो भी है जिस भी एरिया में आप चाहते हो लाइफ लिखोगे तो हर एक एरिया में आ जाएगा और लव लाइफ लिखोगे तो स्पेसिफिक लव लाइफ के लिए हम लिख रहे हैं ठीक है या दैट वॉज इट आई होप की रीडिंग पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक like, कमेंट और शेयर ज़रूर करना सी यू नेक्स्ट वीडियो